हाय राम, फिर से अपने इसका दर्द शुरू हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताते क्यों नहीं, बताओ ना। कुछ नहीं, वैसे ही मैंने धोती जरा कस के बांधी थी ना, इसलिए। तो धोती उतार दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? फिर राम, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? तुमको क्यों, घर के कपड़े नहीं उतारते हो क्या? और फिर तुम्हें कहते हुए मुझे काहे की शर्म, जैसे मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं बगैर कपड़ों के। क्या, मुझे नंगा देखा आपने? जी, नंगा नहीं कहते। क्या कहते हैं? बिना कपड़ों के कहो ना। वस्त्रहीन है ना। पियो ना। अब लो ना। लेकिन देखिए, अच्छा सुनिए, सुनो। मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ? नहीं, अब तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। हाँ, अच्छा। बहुत प्यार है ना मुझसे? और नहीं तो क्या। अच्छा एक बात बताइए, बताओ इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? 5 5 5। और छठा जो आने वाला है वो कौन है? अच्छा, मतलब तुम्हें जो होने वाला है। तक मुझे कहा तो तुम्हारी बहन को? देखो जी, मार खाओगे। तनु को कैसे होगा? तनु क्या शादीशुदा है। तो फिर और बचा कौन है इस घर में? क्यों, प्रेमा नहीं है क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि बहादुर बाप बनने वाला है? बहादुर को? अब बहादुर वो कैसे बाप बन सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो क्या, वो है। अब मतलब वो अभी तो बाबू। मैं आ गया हूँ। तू यहाँ? पकोड़े लाया हूँ। अरे बहादुर, तू बाप बनने वाला है? बाप? वो लड़की प्रेमा करके है उसके साथ। अब क्यों सताते हो उसे? सॉस नहीं लाया, चिली सॉस? जी नहीं। अच्छा मैं लाती हूँ। बाबू तुम ये पकोड़े मत खाना, मैंने इसमें भांग मिलाई हुई है। लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तू बाप बनने वाला है? किसी तरह इन दोनों औरतों को ये पकोड़े खिला के बेहोश कर दो। लेकिन तेरा उससे ताल्लुक क्या कि तू बाप बनने वाला? जब वो दोनों औरतें बेहोश हो जाए, गाना गा के मुझे बुला लेना, प्रीतम आन मिलो। अरे लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तू बाप? तुम ऊपर संभालो, नीचे मैं संभाल लेता हूँ। नीचे कौन है? प्रेमा। लेकिन प्रेमा को तो बच्चा होने वाला है। प्रेमा माँ बनने वाली है, सुना है, तू उसका बाप। मैं जो कह रहा हूँ वो करो बाबू, और यहाँ से किसको? अभी तो औरतें ही औरतें नजर आ रही है, अगर उनके मर्द आ गए तो। ऐसा वो आ रही है। पैसे कहाँ है? अंटी में। ठीक है। लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तू बाप? ये तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? बहादुर से क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कौन सा महीना चल रहा है। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा है खमागा सताने के लिए। चिली सॉस दो। हाँ दो। बस 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 बस, लो पकोड़े खाओ मेरे हाथों से। शुक्र है कुछ तो नरम हुए। तो फिर खाओ ना, नरम है। तुम भी खाओ ना। मैं पहले ये ग्लास खत्म कर दूं उसके बाद। अच्छा, मैं पिलाती हूँ। नहीं ना, तो मैं पियो ना, मेरे हाथ से पियो। खाओ ना, और खाओ ना। पियो पियो, ठीक हो जाओगे। रख दो इसको, तुम खाए जाओ, पकोड़े खाओ। बड़ी अच्छी लगती हो जब तुम खाती हो। ऐसा लगता है खाती तुम हो और तन मेरे लगता है। पता है कितने दिनों बाद तुम मुझे प्यार से लाड से खिला रहे हो। अच्छा। चल, बहुत बुरी बात है ये,
आप वादा करके इतनी देर लगा रहे हैं जी। छे छे कारीगर लगा रखे हैं, आप तो देख ही रहे, हीरो जड़ा हार है, कहीं एक भी कनी टूट गई तो मैं कहां से भरूंगा। तू यहां कैसे आ गया, पिक्चर देख के आ रहा है? वो क्या है कि आप मिले नहीं तो फिर मैंने सब जगह ढूंढा, तो इन्होंने बताया कि आप यहाँ 9 बजे आने वाले, इसलिए मैं 6 से 9 के पिक्चर में चला गया। आजकल पिक्चर में बाहर देखने लगा है तो नहीं मैं। कितना अच्छा लग रहा है नसवार लेते हुए। खामखा सवेरे सिगरेट पी के मारामारी शुरू कर दी। किसने मारामारी शुरू कर दी? आप मैंने एक सपना देखा था। क्या? वही कि आप सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट में पता नहीं क्या था, बस पी के आप मारने लगे और कहने लगे मेरी तो कोई शादी नहीं हुई है, मेरी तो कोई बीवी नहीं है, न साली है। अरे बहादुर, काश तेरा ये सपना सच होता, न बीवी होती न झगड़ा। लेकिन थप्पड़ तो बड़ी जोर का पड़ा था। थप्पड़ तो तू सह लेता, लेकिन इस वक्त घर के बाहर तो ना बैठा होता मैं। मेरी सुनिए और घर चलिए, दीदी ने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। बगैर हार लिए मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, मैंने कसम खाई। लेकिन बेचारी दीदी का क्या होगा? बेचारी, ये सब उस बिचारी के लिए तो हो रहा है। कहिए कैसे मिजाज है आपके? आपकी नवाजिश है, पहले से बेहतर। लेकिन लगता है अभी कुछ ड्रामा बाकी है। आप अभी जबान से उतरा नहीं है। आई बैठी, पकौड़े खाओ। आप भी खाओ। नहीं नहीं मैं कैसे, मतलब मैं पी रहा हूँ ना। तो खाओ ना, पी रहे तो क्या हुआ? दीदी कैसी है? बराबर कर दिया। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन हम इतने बड़े एक्टर हैं ये मैं नहीं जानती थी। अगर जान जाओ तो फिर एक्टिंग ही क्या हुई। पकड़े खाओ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ तनु, तनु अगर मैं शो पे आता ही नहीं तो क्या होता? आता ही नहीं? कैसे नहीं आते, मैं देखती ना। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आता ही नहीं तो? आते कैसे नहीं, 2 महीने से तो आपके लिए इतनी रिहर्सल हो रही है और आप एन मौके पर कैसे नहीं आते? 2 महीने से? समझा, तभी सब कुछ इतना परफेक्ट हो रहा है। ये जासूसी काफी देर से चली आ रही है जी। समझ गया मैं। हाँ लो। अच्छा आप फर्ज करो कि मैं अगर यहाँ पहुंचता ही नहीं तो? पुलिस से पकड़वा के ले आती, आप मुझे इतना मामूली मत समझे। हाँ बता रही हूँ। पुलिस, पुलिस भी शामिल है? मामूली समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो। ये प्रेमा ने क्या मिला दिया पकौड़ों में? बेसन। बेसन तो होता ही है, कांदा, ही है। कांदा। वो नहीं जीजा जी, खा के देखिए। मैं कितना खाया मैंने। मैं खुद नीचे जाके देख के आती हूँ किचन में। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, नीचे जाने की क्या जरूरत है, वैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें? कुछ है। अच्छा एक मिनट, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा चक्के बताता हूँ। बैठो। फर्स्ट क्लास, कुछ गड़बड़ नहीं है। उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, ये लो ये बड़ा वाला। अच्छा है ना?
अच्छा तो है लेकिन। हाँ, अच्छा होना ही तो असल चीज है। अच्छा क्यों है, किस लिए है, उसकी तलाश जरूरी नहीं है। खाओ, एक अच्छा पकौड़ा और खाओ। फूल खूबसूरत है तो खूबसूरत है, क्यों खूबसूरत है, अबे हटाओ ना छोड़ा ना, खूबसूरत तो है। ये कौन हंस रहा? तुम ही तो हंस रही हो। मैंने सोचा कोई और हंस रहा। ये फिर कोई हंसा? फिर कोई हंसा? हाँ, नीचे वो प्यारी। प्यारी? प्यारी नहीं बाबा, मामा, प्रेमा। प्रेमा? ये प्रेमा को क्या हो गया? उसको भी चढ़ गई है। हाँ, मतलब शराब पी उसने? नहीं, ये पकाओ। मस्ती चढ़ गई है। ले, एक पकोड़ा खा ले। चल ले, ले ना। आहिस्ता 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 आहिस्ता, उन औरतों ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दरवाजा क्यों बंद किया? अच्छा ये बताइए कितनी उंगलियां है? दो। अभी नहीं, अभी एक और पकोड़ा खा ले, एक और पकोड़ा खा ले। ले 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 ले। आ आ आ आहा। अच्छा बहादुर, क्या मैं बहुत हंस रही हूँ? नहीं नहीं, ये तो पकोड़े खाने से होता है। पकोड़ा? ये तो अच्छा ही है ना, हंसते हंसते कट जाए जिंदगी। नहीं, मुझे मना, मुझे मना, मुझे मना, मुझे मना है, मुझे मना है, मुझे मना, मुझे मुझे मना, मुझे 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 मना। साहब, साहब क्या घर चलो न जाएंगे? होगा हार होगा, थोड़ा सा बाकी है साहब, लेकिन मेरी सुनो, हार सवेरे ही ले लेना, घर चलो। 11 बज रहे हैं छेदीलाल, 2 घंटे हो गए, और कितनी देर लगी? अशोक बाबू, एक विनती करो, पूरा होने के बाद साफ सफाई पॉलिश होते होते 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, ऐसी भी क्या चीज है। सुबह उठते ना उठते मैं हार लेकर पहुंच जाऊंगा। अरे सुबह उठकर तो फिर चक चक शुरू हो जाएगी। ओह, मैं वादा करता हूँ कि मुंह अंधेरे पहुंच जाऊंगा, सोते सोते ही बीबी जी के गले में हार डाल दीजिएगा। हाँ साहब, जवानी की अठेलियां बुढ़ाते थे चोचले। चल बहादुर, खाओ, 2 घंटे इंतजार करो। सुबह सुबह आपके उठते ही भेज दूंगा। जिस चकचक से मैं बचना चाहता था, घर पहुंच कर फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक तो सब सो चुके होंगे साहब।